फिजी कूलर एक ऐसा रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें रखा हुआ सामान बाहर से दिखाई देता है। विजी कूलर में आमतौर से कोल्ड ड्रिंक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, केक और पेस्ट्री वगैरह रखा जाता है और इसमें टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इस टेम्परेचर को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों, मेरा नाम इस्माइल खान। इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और ये कैसे काम करता है, इसे समझते हैं। सभी रेफ्रिजरेटर की तरह इसमें भी एक कंप्रेसर लगा होता है। इसमें फिन एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर लगा होता है, जिसे ठंडा करने के लिए एक फैन भी लगा होता है। इसके कैबिनेट में ऊपर की तरफ एक कूलिंग कॉइल होता है, जिसकी ठंडक को पूरे विजी कूलर में सर्कुलेट करने के लिए कूलिंग फैन लगा होता है। रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करने के लिए फिल्टर और जरूरत के हिसाब से गैस के प्रेशर को डाउन करने के लिए इसमें कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। विजी कूलर को ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए और डिजायर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी सब जीरो लगा होता है। इसके डोर को खोलते ही कूलिंग फैन ऑफ हो जाता है और इस काम के लिए इसमें मैग्नेटिक डोर सेंसर या डोर स्विच लगी होती है। कूलिंग को रेंज के हिसाब से कंट्रोल करने के लिए एक कूलिंग सेंसर लगा होता है। विजी कूलर के कुछ मॉडल में कंडेंसर के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए कंडेंसर सेंसर भी लगा होता है। विजी कूलर के अंदर रखी सभी चीजें साफ साफ दिखे, इसके लिए इसमें ट्यूबलाइट या LED लगी होती है। इसकी वर्किंग को समझते हैं। ये विजी कूलर है और ये इसका कंप्रेसर है। जब कंप्रेसर चल रहा होता है तो इसकी डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट निकलती है और डिस्चार्ज लाइन को कुछ क्वाइल के शेप में इस ड्रेन वाटर ट्रे से गुजारते हैं। ट्रे में मौजूद पानी इसकी गर्मी से इवेपोरेट कर जाता है और डिस्चार्ज लाइन इस कंडेंसर के इनलेट से कनेक्ट होती है। इस फैन से कंडेंसर ठंडा होता रहता है, जिससे कंडेंसर में कंडेंसेशन होता रहता है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की लिक्विड में बदल जाती है। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस फिल्टर में छान ली जाती है और कैपिलरी ट्यूब में चली जाती है। कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली और लंबी होती है, जिससे गैस का प्रेशर और टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है और ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की लिक्विड गैस कूलिंग कॉइल में पहुंचती है। विजी कूलर की गर्म हवा इस रास्ते से होकर कूलिंग कॉइल में गुजरती है और ठंडी हो जाती है। ये ठंडी हवा इस कूलिंग फैन के जरिए नीचे की तरफ विजी कूलर में जाती है। जब विजी कूलर में टेम्परेचर मिनिमम सेटिंग से नीचे जाने लगता है तो ये कूलिंग सेंसर कंप्रेसर को ऑफ कर देता है और जब टेम्परेचर मैक्सिमम सेटिंग से ज्यादा होने लगता है तो ये कंप्रेसर को ऑन कर देता है। कूलिंग कॉइल के नीचे ये ट्रे लगी होती है, जहां कूलिंग कॉइल की फ्रास्ट के गलने से पानी इस ट्रे में आता है और एक पाइप के जरिए इस कार्नर से नीचे की तरफ रखी ड्रेन वाटर ट्रे में चला जाता है और पानी किस तरह से भाप बनकर उड़ जाता है मैं पहले ही बता चुका हूं। विजी कूलर को ऑटो ऑपरेट करने के लिए अलग अलग तरह के सब जीरो लगे होते हैं। सब जीरो को ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट की AC सप्लाई का ट्रांसफार्मर लगा होता है। सभी सेंसर सब जीरो से कनेक्ट होते हैं और रोशनी के लिए लगी हुई सभी लाइट में भी सप्लाई इसी सब जीरो से जाती है। विजी कूलर में डोर ऑपरेटेड मैग्नेटिक सेंसर लगा होता है, जो डोर के ओपन होते ही कूलिंग फैन को ऑफ कर देता है, जिससे ये फैन बाहर की गर्म हवा को अंदर नहीं खींचता। ये सेंसर भी सब जीरो के जरिए ही ऑपरेट होता है। उम्मीद है विजी कूलर के पार्ट्स और इसकी वर्किंग का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। विजी कूलर की कंप्लीट वायरिंग समझना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।